नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुझे आपंजन टेम्पल सिटी भुवनेश्वर आउ गोटे न्यू भिडियो आप समस्त बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो आम देखा पाया भुवनेश्वर आउ गोटे प्रसिद्ध शिव मंदिर, जेन मंदिरटा हूँ ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो आसन आज आम ब्रह्मेश्वर मंदिर देखमा आउ दर्शन करमा शिव भगवान को। तो फाइनली आसिक ब्रह्मेश्वर मंदिर, जेने राजा मंदिर आगे पड़वा आते सुंदर मंदिर मैं न छोड़ मुझे के देखते और बहुत ही बढ़िया परिवेश अच्छे। मंदिर प्रॉपर लोकेशन टा मैं आपको गूगल लिंक दे लोकेशन टा आसपारे कनेक्ट कर मानने मंदिर बोले प्राय लोकेशन भुवनेश्वर मंदिर प्राय लोग लिंगराज के जानसन कि गोटे गोटे मंदिर। बाकी भुवनेश्वर बाहर भी आम बहुत सुंदर सुंदर मंदिर अच्छे। तो आम चैनल आम मेन से जिन मैंने कवर करमा जेन ओडा टू लुकी आउटा देखी पार्थे बहुत से सुंदर भाई मंदिर। सब तो बेस भल लगे ओडा गवर्नमेंट भी बहुत मंदिर सफा सुतरा रखें प्लांटेसन बढ़िया बोले। तो चल भर देख ब्रह्मेश्वर मंदिरटा 11 टू 12 सेंचुरी मंदिर। मंदिर पाखापाखि 800 वर्ष रु ऊपर पुराणा। तो ब्यूटी नेक्स्ट देखि परतबे टाइम पाखापाखि 4:30 गला न प्रपर लिंगराज मंदिर बाय फील आसु जबरदस्त। ब्रह्मेश्वर मंदिरटा गुडे हिंदू मंदिर जेंडे कि डेडिकेटेड करायचे भगवान शिव को। आउ ये कलाकृति आपड़ देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृति। आ भुवनेश्वर सब मंदिर गुड़ा आपको यही भाई देखा मिलवा मैंने आप भाव भी ना पारे जे पथर एत सुंदर काम के लगे जावा। तो आप एंजय कर देख देखते मंदिर गोटे राउंड बुले मंदिरटा सोमवंशी राजा द्वारा तैयार आ मंदिर कम्प्लीट होता पखापाखि लगभग 11 सेंचुरी रे। मंदिर कारुकार्य आप देखे मैं आजिकाली मेसीन देते काम करना पार जिते काम तेना पथर से सब हाथ या बहुत ही सुंदर कलाकृति है जी। और मुख्य मंदिर गोटे पत्थर मान ऊपर खसी जाए जहाँ जमा पड़ू तो देख पारे पत्थर रहा काम है मान से बोले सिंह जे अच्छा सब सब खसी। तो आम भुवनेश्वर के टेम्पल सिटी भुवनेश्वर सोच कहना है मैंने टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया सोच कहना है भुवनेश्वर कहीं जगह एत सारा मंदिर अच्छे आप मंदिर बुले बुले पूरा अथा हो सब मंदिर आपको सेम स्ट्रक्चर देखा मिलवा बहुत जबरदस्त कारुकार्य आपड़ जब पाखने देखे तो ट्रस्ट कर देख कारुकार्य डिजाइनटा जब आप मेसीन से करना कहीं ना बाकी हाथ कि आप मंदिर भितर किसी इलेक्ट्रिक काम चलूला तो से बेस किसी भिड ना कर भगवान शिवं लिंग और मंदिर करेक्ट लोकेशनटा हूँ आम नियर टंकपाली रोड शिवानगर। आ तो डिस्टेंस रेलवे स्टेशन आपको से 6-7 किलोमीटर पाखे पड़ा। भुवनेश्वर टाइम रु संध्या टाइम टाइम स्पेंड करवा लगे तो बहुत गुड़ा मंदिर अच्छे आपड़े टिके चेनाल लगे एनालीसीस को आसपारे तो इवनिंगटा बहुत ही बढ़िया थी बहुत पीसफुल रूपे से गोटे ब्यूटीफुल गोटे पीसफुल जगह हूँ भुवनेश्वर मंदिर।
ଆପଣ ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଚୁମ ସାର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବି ଯାଇପାରିବେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗ୍ବା ତ ସେ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଏତେ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲିଣି ବାକି ମନ୍ଦିର କେବେ ନାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅପରାହ୍ନ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହଂସ ଚରୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ କି ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେନେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର କଭର କରିପାରିବେ ଯେନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇକି ବି ଆପଣ ଆସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଜାଗାଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଶେଷ କର୍ମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବତାବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିଛନ୍ ତ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଫିର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତବ ତକ୍ ଥିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର।